एक्चुअली मैं थोड़ा ग्रिलेज के बारे में पढ़ रहा था और मैं एसक्यूब के मॉडलिंग भी थोड़ा पहले किया था। ठीक है, तो ओके सर इसमें एक दो मेथड होता है। एक होता है कि जब ऐसे स्ट्रेट है जो मतलब 90 डिग्री पे जो भी ब्रिज रहता है, तो उसमें हम हाँ किसी का ऑर्थोगोनल वो करते हैं, बनाते हैं, क्या मेस करते बनाते हैं? हैं, ऑर्थोगोनल मेस बनाते हैं, जैसे आपने अभी बनाया हुआ है। ठीक है। देखो, ऑर्थोगोनल मैश और राइट मैश में फर्क है। ये आपकी राइट मैश है, ये आपकी ऑर्थोगोनल मैश है। हाँ, मैं राइट की बात कर रहा हूँ, अभी आपने राइट बनाया हुआ है मोरलस। हाँ ये ऑर्थोगोनल दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? देखो, सबसे पहली चीज राइट में क्या है, ये सारे 90 डिग्रीज होंगे और ये आपका स्क्यू एंगल पे डिपेंड होगा। अब इस पे मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, आप पूछ रहे हो तो, और इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ले जाता हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज स्क्यू आते क्यों है, वो तो सारे मतलब अलाइनमेंट नीचे से ऐसी आ रही हो, कोई रोड ऐसी हो या किनाल की शेप ऐसी, उस वजह से स्क्यू आ जाता है। उस पर हम नहीं अभी कुछ डिस्कशन करेंगे। स्क्यू की मॉडलिंग में लेट से ये आपका नॉर्मल स्पैन होता अगर राइट एंगल्स पे, तो ट्रैफिक वो यहाँ पे क्रैश बैरियर्स होते साइड पे और ट्रैफिक की डायरेक्शन ऐसे होती, ठीक है? तो जो भी ब्रिज की सेंटर लाइन होगी, मान लीजिए ये ब्रिज की सेंटर लाइन है, तो ये ट्रैफिक डायरेक्शन और ब्रिज की सेंटर लाइन राइट एंगल्स के केस में कोइंसाइड करेगी, पहली तो ये चीज। और यहाँ पे सपोर्ट्स होंगी वो आपके स्पैन पे या जो ये वाले सेंटर लाइन ऑफ गर्डर्स है इसके राइट एंगल्स में होंगी। तो दिस इज राइट स्क्यू, राइट या स्क्वायर मेश। हालांकि बिल्कुल। ये ऑर्थोगोनल का एक सब पार्ट है, बट ऑर्थोगोनल जनरली जब बात करते हैं तो वो कुछ टेढ़ा सा जब अरेंजमेंट बन जाता है, इस चीज को जनरली रेफर करते हैं। अब इसमें भी ना, इसमें अभी मैं अगर आपको यहां से डिपिक्ट करके बताऊं कि कुछ पोर्शन तो आपका स्ट्रेट होता है, हाँ, यही मैं पूछना चाह रहा था एग्जैक्टली। ठीक है? जब आपने क्वेश्चन पूछा मैं समझ गया था आप क्या पूछना चाह रहे हो। और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो मैं थोड़ा हैच कर रहा हूँ, ये आपका स्क्यू पोर्शन है। इसको भी जैसे हमने ये फ्रेम से जाके वो सारी चीज मॉडल की ना, मतलब हमने कोई ट्रांसलेशन रिपीट नहीं लगाया, वो सब नहीं किया, इन केस आपका कोई स्क्यू ब्रिज आता है तो आप उसको भी उसी फॉर्मूला से कर सकते हो विद लिटिल अल्टरेशंस। आपको सबसे पहले राइट पार्ट क्या है वो निकालना बहुत जरूरी है। जैसे कि इस जोन में, इस वाले में सिर्फ ये रेड हैश पोर्शन जो है यही राइट वाला पार्ट है। उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली स्टैट पे नहीं जंप करना है आपको, मैनुअली जो भी स्क्यू एंगल होगा, लेट से अगर आपका, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जो भी आपका स्क्यू एंगल होगा, मान लेते हैं कि हम हमारा 40 डिग्री स्क्यू है, इसके अकॉर्डिंग आपको एटलीस्ट टोटल कैरेज भी क्या है ये डायमेंशंस आपको पता होंगी। तो देखो, इसमें जब ट्रैफिक मूवमेंट होगा वो ब्रिज के कुछ एंगल पे होगा, ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शंस होती, बट एक्चुअली यहाँ पे सही से नहीं बन पाया ये वाला, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर इसकी नॉर्मल डायरेक्शन ट्रैफिक की अलाइन होती है तो हमारे पास स्ट्रेट ब्रिज बनता है, अदरवाइज स्क्यू ब्रिज बनता है। तो ये फाई एंगल आपका कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी एनी एनी एंगल एक्चुअली, बट जनरली अगर 15 to 20 degrees है, नॉर्मली बुक्स में 15 degrees लिखा होता है, 15 अगर डिग्रीज है तो आप नॉर्मल एक ऑर्थोगोनल मेश बनाओ और जैसे हमने उसको बाइफरकेट किया है ऐसे ही ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जैसे ये मेन बीम्स बना रहा हूं मैं, तो वैसे आप बना सकते हो अगर 15 degrees तक है। इनफैक्ट 20 degrees तक भी आप बना सकते हो, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, बट अगर 20 से ज्यादा आपके पास स्क्यू एंगल्स हो जाते हैं, जो कि काफी जगह पे होते ही हैं, खासकर आजकल के सिनारियों में, उस केस में आपको इस पूरे मैश को पहले पेपर पे राइट पार्ट और स्क्यू पार्ट में डिवाइड करना है। और वो कैसे होगा, कुछ भी नहीं करना है, जो बचपन में कॉस थीटा
यहाँ साइन फाई कॉस फाई टैन फाई ये यूज करते थे, इन्हीं को यूज करके आपको सारी चीजें निकालनी है। कभी भी आप कोई भी ब्रिज डिजाइन करोगे आपके पास एक टोटल स्पैन लेंथ आपको हमेशा पता होगी जो स्क्वेयर और स्क्यू दोनों में आप निकाल सकते हो। लेट्स से अगर 20 मीटर्स की मेरी स्पैन लेंथ है, स्पैन लेंथ का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी अबटमेंट्स। अगर आपकी अबटमेंट्स या आपके पियर्स स्ट्रेट हैं तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्रीज वाला होगा, ये आपका स्पैन लेंथ हो जाएगी। बट अगर ये आपके किसी एंगल पे है, इस केस में जो आपके स्पैन लेंथ होगी स्क्वेयर वाली वो होगी तो शॉर्टेस्ट ही, मतलब इस केस में 20 ये है, बट जो स्क्यू लेंथ होगी वो 20 से ज्यादा होगी और वो डिपेंड करता है आपके एंगल पे। 20 अपॉन कॉस थीटा या कॉस फाई आप करोगे तो वो आपकी स्क्यू लेंथ आएगी। पहली चीज तो ये समझना बहुत जरूरी है कि स्पैन एक्चुअल में स्क्यू के केस में दो हो जाते हैं, एक दो शॉर्टेस्ट स्पैन है वो हमेशा स्क्वेयर स्पैन रहता है, और नॉर्मली जब राइट एंगल वाले ब्रिजेस होते हैं जिनमें अबटमेंट्स बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है तो हम स्क्यू और स्क्वेयर में कंफ्यूज नहीं करते, सिंपली स्पैन रखते हैं। तो सेम केस मैं वही बता रहा हूँ, अगर आपका स्क्वेयर स्पैन 20 मीटर्स है और फाई की वैल्यू लेट्स से 30 डिग्रीज है तो स्क्यू स्पैन उसका 20 अपॉन कॉस 30 हो जाएगा। पहली तो ये चीज, व्हाट डज दैट मीन, ये लेंथ जो आपकी है टोटल ये 20 अपॉन कॉस 30 हो जाएगी। और सेम वे आपको जब भी आपके पास कोई ब्रिज या कुछ स्ट्रक्चर होगा आपको स्पैन के साथ साथ उसका कैरेज वेट पता होगी। और अगर ये 10 मीटर्स होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, साइन फाई मतलब ट्रिग्नोमेट्री यूज करके ये क्या डायमेंशन आएगी ये आप निकाल लोगे, सिमिलरली ये क्या डायमेंशन आएगी ये आप निकाल लोगे। तो लेट्स से ये एक्स और वाई आ जाती है, तो नॉर्मली वाई डायमेंशन भी आपकी जो होती है वो 10 अपॉन कॉस ऑफ दैट एंगल आती है। बट इसको मैं ऐसे कभी भी जनरलाइज याद नहीं करके रखता, मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज करके वो वेरिएशंस निकाल लेता हूँ। तो पहली चीज तो ये मेरे को डिस्कस करना था। दूसरी अब मैं जो आपको चीज बताना चाहता हूँ कि इसकी ग्रिल एज मॉडलिंग एक्चुअली होती कैसे है। नॉर्मली इस केस में स्क्यू जब आ जाता है, एक्चुअली यार मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो कि जो मैंने आपको मेथड बताया जिसमें आप सीधा मॉडल कर सकते हो पूरी ग्रिल एज को फ्रेम वाली मैश यूज करके, तो वो सारे नॉर्मली पीपल ट्रांसलेशन रिपीट और नोट टू नोट कनेक्ट करके ही करते हैं, और स्क्यू में वो कहते हैं हमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि वो उस प्रोसेस से कर रहे होते हैं। बट जो हमने मेथड सीखा हुआ है उस केस से आप स्क्यू बहुत इजीली मॉडल कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है बेसिकली आपको। आपको ये जो राइट पोर्शन है जो मैंने आपको बताया ये वाला पोर्शन, इसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्री से आप निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास जो कि स्पैन अपॉन मतलब स्क्वेयर स्पैन अपॉन कॉस 30 डिग्रीज होगी, तो आपके पास ये डायमेंशन भी है, ये डायमेंशन भी, सारे डायमेंशन एक्चुअली है। व्हाट आई मीन टू से, आपके पास राइट वाला पोर्शन होगा तो आप सबसे पहले उस फ्रेम एनालिसिस से इस राइट वाले पोर्शन को ही मॉडल करो। लेट से ये मॉडल कर लिया आपने, ग्रिलेज आ गई इसकी अपने आप और ये आपको पता ही है कैसे डिवाइड करना है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, तो जब आप ये चीज कर लोगे ना उसके बाद जो ये पोर्शन बच के डायमेंशन के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो ये वाला जो पोर्शन था ये मैं मेरे पास ऑर्डिनेट्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डिनेट्स में निकाल सकता हूँ और सिमिलरली टोटल कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई भी निकाल सकता हूँ, तो मुझे बस इसको यहाँ से एक्सटेंड कर देना है। मतलब यहाँ पे आप ट्रांसलेशन रिपीट और एक्सटेंड वाली चीजें लगाओगे और फिर इस मेंबर को एक्सटेंड कर दोगे, आपकी ग्रिलेज अपने आप बन जाएगी। ये तो ही पहली चीज। दूसरी यहाँ पे इस केस में आपको देखो नीचे ट्रायंगल चाहिए, नीचे वाला वर्टेक्स आपकी यहाँ आएगी, तो सेम केस आप इस वाले को एक्सटेंड करोगे और फिर ये वाले मेंबर्स एक्सटेंड कर दो तो आपका पूरा मॉडल बन जाएगा। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू वांट टू मॉडल। और अगर आपको अच्छी चीजें मतलब अच्छी इन द सेंस स्टैट के सारे टूल्स या कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स पता है तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आप जल्दी अपने सिस्टम को सारा मॉडल करो। अब यहाँ चीज आती है, हमने इन वाले मेंबर्स को एक्सटेंड कर लिए जो मैंने ब्राउन में अभी बना रखे हैं, बट व्हाट अबाउट
अदर मेंबर, मतलब यहाँ पे इस जोन में अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल को यहाँ पे थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ तो आई वुड बी हैविंग दीज लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस, बट यहाँ पे इस साइड में मेरे पास कोई ग्रिलेज या कोई मैश या कोई लाइन्स नहीं है, तो कुछ नहीं करना होता है, मुझे नोड टू नोड इनको एक्सटेंड करना होता है जहां पे ये नोड्स होते हैं. मतलब द मेन पर्पस इज टू डिवाइड इट इनटू एज मेनी पार्ट्स एज पॉसिबल. सेम केस यहाँ पे मैं इसको सीधा कर सकता हूँ, इस नोड से ले सकता हूँ, इस नोड से ले सकता हूँ. ये तो एक्चुअली मैं अभी यहाँ पे बहुत ही माउस या उसके यूज से बना रहा हूँ तो सही नहीं बन रहा है, बट जब आप विलेज में इसको बनाओगे आपके पास बहुत ही क्लियरली नोड्स और आपको पता होगा कहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना है, कहाँ पे मुझे स्ट्रेच करना है, ये सारी चीजें बहुत ही क्लियरली होंगी. वंस यू विल प्रैक्टिस इट तब आपको हो सकता है कुछ और डाउट्स हैं तो अकॉर्डिंगली वी कैन डिस्कस इट. एंड दूसरी चीज ये है, ये तो हो गया नॉर्मल केस जब आपके स्क्यू एंगल्स छोटे मोटे हैं, 30 हो गए, मतलब 30 से 35 तक हो गए. अब अगर बड़ा स्क्यू एंगल आ जाता है तो ना ये स्क्वेयर वाला जो रीजन है आप देखोगे, जब आपका स्क्यू एंगल काफी ज्यादा हो जाता है तो वो जो रेक्टेंगुलर पार्ट है या जो राइट एंगल स्क्वेयर पोर्शन होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. उस केस में भी करना आपको वही है, मतलब आप वैसे ही कर सकते हो. पहले इस वाले पोर्शन को मॉडल कर लो, इस वाले को आप मॉडल कर लो, फिर वर्टेक्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स निकाल के इनको एक्सटेंड कर लो. बट अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी ग्रिलेज की लाइंस इस केस में तो ऐसे आ रही होंगी, ओके और यहाँ पे नो डाउट आप लॉन्गिट्यूडनल तो ऐसे कर सकते हो, बट यहाँ प्रॉब्लम आती है कि आप ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या आपको फिर सारी लाइंस ऐसे मॉडल करनी चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हैं वो आपके टोटल कैरेज वे विड्थ पे, टोटल विड्थ, टोटल स्पैन एंड स्क्यू एंगल थीटा, इन सब की कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती हैं. तो काफी बुक्स में जैसे कि सी एस या डॉक्टर सुराना की बुक है जो शायद देवनीत आपके पास भी है ही, या फिर हैम्बले की बुक है जो कि फॉरेन ऑथर है और सुराना का काफी कंटेंट हैम्बले से ही है, इन सब में वो फैक्टर्स दे रखे हैं कि किस रेंज तक मुझे क्या मॉडल करना है, बहुत ही क्लियरली दे रखा है. मतलब इट्स जस्ट अबाउट रीडिंग दोस पैराग्राफ्स, अगर आप वो पैराग्राफ्स पढ़ ले तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्यू एंगल के लिए मुझे ऐसे मैश मॉडल करनी है टेडी या मैं ऐसे भी जा सकता हूँ. यही चीज पूछ रहे थे आप अंकुर? हाँ यही मैं पूछ रहा था.